हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवीज वर्ल्ड। और मैं हूँ सेवी और आप आज देखेंगे चिकन करी की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट जैसी चिकन करी। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, थोड़ा अलग करके मैं बना रही हूँ। उसको खाने के बाद मुझे टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा लगा, इसलिए मैं इस करी का नाम दे रही हूँ रेस्टोरेंट जैसी चिकन करी। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम शुरू करते हैं चिकन करी बनाना। ग्रेवी के लिए पेस्ट हम इसी जार में मिक्सर में हम बना लेंगे। उसके लिए मैंने टमाटर 3 लिए हैं, उसे बड़े बड़े कट कर लेने हैं। उसके अंदर अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 बड़े चम्मच। मेरे पास पेस्ट है इसलिए मैं वही डाल रही हूँ। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पेस्ट बनाए बिना हो वो डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाली है, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। इसमें मैं ये सरसों डाल रही हूँ, मस्टर्ड सीड्स वो मैं 5 चम्मच छोटी डाल रही हूँ, तो उससे टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। और मैं 2 बड़ी ग्रीन हरी मिर्च डाल रही हूँ, कसूरी मेथी है वो 1 छोटी चम्मच और नमक स्वाद अनुसार, आप जिस तरह से खाते हो वो हिसाब से आप नमक डाल दें। अगर आपके पास काजू हो तो काजू पे पेस्ट बना के वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पपी सीड्स डाला है 1 टेबलस्पून और लौंग है वो 2 डाली है और काली मिर्च वो मैंने 8 से 10 डाली है और तज का 2 छोटे टुकड़े मैंने साइड पे रख लिया है। अभी गरम मसाला मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा 1/2 टीस्पून ही डाला है, 1/2 छोटी चम्मच। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन चुका। मैंने चिकन को विनेगर डाल के 10 मिनट रहने दिया है। काला सिरका है, नेचुरल विनेगर। अभी इसको वॉश कर लेते हैं। और मैं इसमें 350 ग्राम चिकन है उसमें दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े और साबुत ज़ीरा 1/2 छोटी चम्मच हम डालेंगे और वो पेस्ट है हमारी बनाई हुई उसको इसमें हम डाल के मैरिनेट करके हम आधा घंटा कम से कम, नहीं तो 1-2 घंटे भी रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है, इसे हम रख देंगे। अब 1/2 आवर हो गया है, 1/2 घंटा। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन में 25 ml कुकिंग ऑयल लिया है, वो थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें पूरा ये मैरिनेट किया हुआ चिकन हम डाल देंगे। हमें इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। इस तरह से बीच बीच में हमें चलाना भी है, तो इसे अब हम थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम खोल के देखते हैं। हाँ, उसको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये बर्तन में लग जाएगा, नीचे जल जाएगा। वापस हम थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए चला के पका ले और देख ले चिकन ऑलमोस्ट 1/2 से ऊपर पक चुका हो और ग्रेवी भी अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई हो चुकी हो। उसके बाद हम इसके अंदर
मैंने क्रीम लिया है, वो दूध के ऊपर जो मलाई रहती है ना, वो 4 टेबल स्पून लिया है, 4 बड़े चम्मच। उसके अंदर मैंने केसर डाला है थोड़ा, और हंग योगर्ट यानी दही 2 बड़े चम्मच, वो डाल के मैंने उसका बराबर से मिक्स कर लिया है। तो उसकी पेस्ट हम इसके अंदर डालेंगे। ये इससे एकदम रिच और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा हमारा चिकन। इसमें हम थोड़ा सा आधा कप जैसा पानी डाल देंगे। हमें इसे 1-2 मिनट के लिए थोड़ा फुल फ्लेम में पका लेंगे, फिर उसके बाद हमें एकदम से स्लो फ्लेम में ही पकाना है, जब तक बाकी का चिकन अच्छे से पक नहीं जाए। वहाँ तक हम चेक कर लेते हैं चिकन अच्छे से पक गया कि नहीं। मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अच्छे से हो गया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से ऑयल से सेपरेट भी होने लगी है। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। ये रेस्टोरेंट जैसा चिकन अब बन चुका है, दिखने में भी बहुत ही अच्छा है और टेस्ट में तो और भी बहुत अच्छा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे मेरी चैनल सेवीज वर्ल्ड। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें मेरी चैनल को, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। और आप अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यहाँ पे दी गई लिंक पे आप क्लिक करें, जिससे आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं, और ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करें जिससे आप मेरी चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ जाके प्लेलिस्ट में भी आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, और सेबीज वर्ल्ड का लोगो यहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करें, जिससे आप मुझे सब्सक्राइब भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।